वाहिगुरु जियो सतनाम श्री वाहिगुरु जियो इक्योंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरपुरसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सासंग जी गुरु रूप सासंग जी विसंगत हर प्रभ से जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। असी पिछे विचार करते सी दो तीन दिन पहले दास नूं बाहर जाना पै गया ते भाई गुरदास जी दीवारां दा विचार करते सी पौड़ी छत्तवीं दी विचार कीती सी। अज असी सैंतीवीं पौड़ी दी विचार करनी है। सैंतीवीं पौड़ी दे विच महाराज भाई गुरदास जी फरमा रहे हैं कि बाबा जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सत नाम दा सारी दुनिया चक्कर चलाता। तान्या भाई कोई पीर पैगंबर आज तक ऐसा नहीं होया। एना भाई सारी दुनिया दा चक्कर कट के सारे ने हलूना दिता कि सच की आ, सच का मार्ग की आ, अकाल पुरख का स्वरूप की आ, उसनु किस तरह मिलना। असी कोई भी किसी भी पैगंबर का तुसी देख लो कोई भी नहीं इन्ना सफर कर चुके। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह वाहिगुरु दस नहीं सकते भाई काल पुरख किस तरह इस धरती ते आया, किस तरह उसने चार उदासियां दे विच ते पाई सारी दुनिया ही गा दित्ती। क्यों गाई? हर एक जगह कोई ना कोई अटके आ गया सी, रब वाले पासे चलदे सी उदा अटक पई हुई सी। हुण कौड़ा राक्षसी लै लो, पिछला जन्म बड़ा चंगा सी, ऐस जन्म दे विच को संगत च पै के ऐसा राक्ष बन गया कि आदमी नूं तलन लग पिया। महाराज ने कहना सी भी ये माड़े पासे पिया, ये जन्म अगर इस तरह लगा रहा तो ये तो जन्म खराब हो जाएगा। फिर गां पौड़ी छुड़की हाथ ना आवे, एला जन्म गवाया फिर तो गेड़ा ही खांदा रहेगा। 84 महाराज उत्थे गए, कौतक रचिया, लोड़ नहीं सी जान दी कौड़े राक्षस कोल पाई, ऐसा कौतक रखा जिसनों ठोकर मारी। तो इस तरह महाराज करते सी बड़ी सोहना। हुण दसते ने महाराज कहते ने पौड़ी सैंतीवीं च गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का मदीना सवे नवाया सिद्ध 84 मंडली खड़ दर्शन पाखंड जनाया। बगदाद नू पहले तो मक्का मदीना नवा के आए महाराज, दस के आए कि तुसी भी पखंडा च पए हुए हो, एवें रहो रीतियां च ही अपना वक्त जाया करते पे हो, तुसी असला स्वरूप असली स्वरूप नहीं मन्या। की स्वरूप सी? गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले, ये तुसी नहीं समझ सके। तुसी एहो ही समझ सके कि मां अल्लाह ताला दा स्वरूप मक्के दे विच आ। कहिंदे नहीं, जिद्दर मर्जी लत्तां घुमा दिओ सारे पासे होई आ। तो फिर बगदाद च गए, बगदाद बड़ा भारी वड्डा फकीर दस्तगीर, उस नूं ठोकर मारी ते गढ़ बगदाद भी नवा दित्ता। सुन मुन नगली पई, ओ
सुन मुन नगरी पई देख पीर पिया हैराना वेखे ध्यान लगाए कर एक फकीर वड़ा मस्ताना ऐसा सत नाम दी ओसना बांग लाई के सारा शहर ही सुन हो गया अथवा सारा शहर नु शांति आ गई बड़ा हैरान हो गया। तो भाई ये बगदाद नु नवाया दस्तगीर ने दस्या कि रब का की देश है रब का की स्वरूप है अल्लाह ताला की है। फिर सिद्धां दी मंडली सुमेर पर्वत ते महाराज उन्होंने निवा के समझा के आए सी पर फिर भी विचों ईरखा विरोध करने वाले फिर मगर लगे रहे। सिद्ध चौरासी मंडली खड़ दर्शन पाखंड जनाया सिद्ध चौरासी मंडली नु भी शब्द ना नवाया ते खट दर्शन वैसे दो ही दे भाव गिंदे ने खट दर्शन ते मतलब छे शास्त्रां दा उपदेश जिहड़ा उहनू खट दर्शन कहिंदे ने मगर जोगियां दा भी है वह कहिंदे ने उहनां दे कई फिरके ने उहनां दे उह दर्शन उहनां दे विचों गुजरन ते फिर ये दर्शन पांदे ने वाहिगुरु दा जोगी जैनी सन्यासी वैरागी मदारी ये सारे उन्हां दे फिरके ने और ये जोगियां दे फिरके दे विच सारे घूम के विच आणगे मुंदरां पाणगे सन्यास धारनगे ते ये भी खट दर्शन कहिंदे ने। अगे फिर ये सी कि सत पताल ने सत आकाश ने मुसलमानां दा ये सी मगर उन्हों भी उन्होंने कहा नहीं जिहड़ी साइंस अज दसदी पई आ जिहड़े ब्रह्मांड ने देखते पे आ इहदा अंत ही कोई नहीं हुण ते साइंसदान कहणी आ अंत ही कोई नहीं इह तां जिहनूं कहिंदे अरब खरब तुंदूकारा महाराज ने कहा सी ना अरबां बेबहा गिनती नहीं इन्ने ते इह ते लख पताल आकाश लख दा दसन सी कि गिनती तों बाहर आ जित्ती धरती जगत सवाई सारी धरती शब्द दे नाम सब नामे अगे आन वाई नाम दे अगे सारी लिख गई क्योंकि शक्ति ते काल पुरख दी आ उसे ने रचना रची आ उह चाहे खड़ी कर दे चाहे ढा दे ते काल पुरख दा सरूप सी ब्रह्म ज्ञानी नूं महाराज ने दस्या ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सार रचनहार आ ते बाबा भाई भावें गरीबी सी सब कुछ मुखो नहीं सी बोलता कि मैं खुदा आ अल्लाह ताला ते सरूप ते उही सी। एक समझण वाली गल आ समझ आनी चाहिए है गल तो इस करके वो सारी धरती जीती जीते नव खंड मेदनी नौ खंड उसले गिने जांदे सी हुण ते सत कंटीनेंट गिने जांदे ने उसले नौ खंड एनी ज्ञान की अवस्था वासी मेदनी सृष्टि जीती सत नाम का चक्कर फराया सत नाम वो अकाल पुरख सच आ नाम है अकाल पुरख वो सत आ सच्चा आ ये सारी लहर सत नाम के प्रचार की लहर चला दी मार देव दानो राक्ष दैन सब चित गुप्त सब चरनी लाया जिन्हें सी देव देवी देवते दानो हुंदे ने राक्ष ते राक्षां दे कई होर फिरके ने कोई वड्डा राक्ष कोई छोटा राक्ष दैन सारे चित गुप्त चित्र गुप्त कहिंदे ने जिहड़ा लेखा गिंदा आ तुहाडा उहनूं भी निवा दिता उन्होंने भी कहा भाई गुरमुखा सच का मार्ग यह इंद्रासन पछरा राग रागनी मंगल गाया इंद्रासन इंद्र देवते तो उन्होंने जेडे चेले और अपछरा देव लोग दिया गीत नाच गाने गाण वालिया देविया उन्होंने परिया कहते ने राग रागनी मंगल गाया खुशियां दे मंगल गाए कि गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे विच जीवां नूं उधार करन आए
ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਚੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਇੰਨੀ ਫਲਾਸਫੀ ਆ ਇੰਨੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਭ ਮੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਵੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਦਾਂਤਾ ਥਿਊਰੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਦ ਔਰ ਵੇਦਾਂਤ ਨਿਚੋੜੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋਹੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਐਨੁਲ ਹੱਕ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਹਲ ਬੰਨਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵੇਦ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਲਟੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਤਾ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਲਾਓ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਧਾਓਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੌੜੀ 38 ਫਿਰ ਬਾਬਿਆ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਉਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਉਤਾਰਾ ਮੰਜੀ ਮੈਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਗੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ ਮੈਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਫਲਾਣੇ ਭੇਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਇਹ ਭੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਲਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਫਣ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਕੱਫਣ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਇਹ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਕੱਫਣੀ ਆ
कफन पहन लिया, क्यों कफन पहन लिया, दुनिया वालों मर गया, हुण तू रब दा हो गया, दुनिया वालों मर गया भी तू हुण छड़ दे दुनिया दे सारे मोह माया, अंदरों अंदरों त्यागनी है। किन्ना फर्क आ गुरमुखो, आपां विचार इन्हां गुरमुखां नाल कर रहे सी कि एक फैक्ट्री वाला दिल्ली मान लो जां किसे शहर च, वह अपनी बड़ी सोहनी लखां रुपए की कोठी बना रहा, नाल फैक्ट्री बना रहा, वह भी इट्टां ढोंदा सीमेंट ढोंदा मजदूर कट्ठे करता मिस्त्री लांदा सारा कुछ करता, और उहदे अंदर भावना होर ने, मेरी कोठी मैं मौज करांगा, मेरी फैक्ट्री मैं होर कमावांगा होर वध, और अंदर हउमे हंकार का वाधा हो रहा और नाल नाल चिंता हो रही है कि ऐ करांगा ऐ करांगा। दूसरे पासे एक साधु आ संत आ, वह गुरुद्वारा बना रहा, स्कूल बना रहा, परोपकार के काम कर रहा, काम उही कर रहा, इट्टा भी कट्ठे करवा रहा, सीमेंट भी करवा रहा, मजदूर भी सारे काम उस तरह ही कर रहा। अंदर भावना की है, मैं हुक्म मानने अकाल पुरख का, उसका हुक्म है मैं करना है, और उदे विच आ उह आनंद च आ, उह जुड़िया होया अंदर काम करदे होया, समाधि आ काम करदे आया अंदर गुरु नाल जुड़िया होया, और अपना कुछ नहीं, मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा। दूसरे कहते मेरा मेरा मेरा, एक कहना तेरा तेरा तेरा, फर्क करना ही है। जेल च जाते ने कैदी भी जाते ने, डाकू चोर रामखोर क्रिमिनल ते नाल डाक्टर जांदा, हुण डाक्टर क्या डाक्टर पुछो कित्थे गया सी, डाक्टर जेल गया जी, जेल क्या कोई मुसीबत उन्नू कोई उते अपनी सजा लैण गया सी, नहीं वो कैदियां दा भला करन गया सी, देखण गया सी। गल तां भाई इह होई आ, इस करके महापुरश सारे परोपकार दा काम करदे ने, ते वो उन्हां दा अपना मन जिहड़ा जुड़िया हुंदा ऐ, ऐ तरीका दस्सिया बाबे ने के हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन, हाथ पैर काम चित निरंजन लगा रहे। फिर अर्थ मारा जाते, फिर बाबा आया करतारपुर बेखुदा सी सगल उतारा, पहर संसारी कपड़े मंजी बैठ गया अवतारा, उल्टी गंग बहाई उन गुर अंगद सिर उपर तारा, पुत्री कौल न पालिया मन खोटे आकी नस्यारा। ये हम बड़ी सोहनी, बड़ा सोहना तरीका, मैं कह रहा धन वाहिगुरु अज तक दुनिया च किसे ने किया, उल्टी गंग वहाई होना, ये गुरु घर का प्रथा है। किसे ने पैगंबर ने अवतार ने औलिए ने किसे ने अपने चेले अगे सिर नवाया हो तारीख च दस दौ, किसे ने नहीं नवाया। ये बिरध पहला गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने सेवक लैना पवाया, काकी ना तेरा लैना, अच्छा तेरा ना लैना तो असी देना, तू लैना है असी देना है। ते फिर अपना स्वरूप बना के अंगद अंग बना लिया, कहने बस हुण ओ जड़ा है ना तेरे चो ही आ गया, पांच पैसे नारियल तार के परकर्म के मत्था टेकिया, किसे ने अज तक अवतार नहीं किया। उल्टी गंगा, गंगा उल्टी बहाती, गुरु अंगद अगे वाह वाह, तो गुरु अंगद भी अगो अख अखा मीट के अंदर गुरु नानक नाल जुड़िया होया, वो नहीं समझ ही नहीं लग रही कि अगे मत्था टेकया जा रहा, वो अगो वह अंदो कह रहा गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक, अपने आप ने आप मत्था टेक रहा, आदेश दिसे आदेश आदि नील अनाद अनाद जुग जुगे आदेश दिसे आदेश, अपने आप नू आप ही मत्था टेक रहा, यह एक समझने वाली। ते भाई क्यों पुत्रा ने कौल नहीं पा लिया, एक बहुत वड्डी गल है, अज गुरगद्दी लोगों की आम तुरी रही रिश्तेदारां दे विच, मैं कि बाबे ने पहला कहा जेड़ा अधिकारी है उन्हें जोत मिलेगी। संता तुसनी महाराज मस्तवाने वाले कोल भाई तेजा सिंह पसौड़ वाला आया, उन्हें दस्या भाई प्रेमी आ तू ऐ कर इस तरह ऐ चला ए तरीके नाल तू प्रचार कर जाया कर, कोई हुण मैनूं एग्जैक्ट याद नहीं बी की महाराज ने ओ कहंदा अगों महाराज आ जिहड़ी जोत आ ये मैनूं अपनी जोत मैनूं दे दिओ फिर तो सब कुछ हो जाएगा।
अगो की कहना ए जोत मेनू दे दे अपने। महाराज का चेहरा जलाल च आ गया, इना जलाल च आया महाराज कहना सिर हाजिर आ पर जोत अधिकारी नू मिलेगी, जेरा पात्र आ उन्हू मिलेगी जोत, जोत नहीं मूर्ख तेन मिल सकती, सिर ले लै तू सिर मेरा हाजिर है पर जोत उन्हू मिलेगी जेड़ा पात्र अधिकार। इस करके बाबे ने पुत्रा ने नहीं मन्या, बचन ही मन्या, नस के बचन तो आकी मैंने आकड़ के जो कम कहना महाराज सेवकों को करा लो, बड़े करा माती सी हूँ इन्ने करा माती पई वाहगुरु मैं दस नहीं सकता। बाबा श्री चंद एने करा माती सन, उदासी पंथ उन्होंने चलाया जिन्हें उदासी ने बड़े करा माती सी। ते एक बारी गुरु सच्चे पातशाह पंजवें पातशाह दर्शन करन गए, लंबी दाढ़ा सी, कहिंदे लंबी दाढ़ी काहदे लई वधाई आ तुसीं एनी, कहिंदे महाराज आप दे चरण धूड़ परसन नूं, चरण अपना साफ करन धूड़ साफ, कहिंदा इन्हां गल्लां नाल ते तुसीं लै गए साडे कोल सब कुछ गरीबी आदत जी गरीबी। ये करा माता नाल रिद्धियां सिद्धियां नाल ताकतां नाल ये आत्मदर्शी नहीं बन सकता। फिर बाणी मुखों चारिय होए रुसनाई मिटे अंधारा, ये तरीका दस्या मुख तो बाणी उचारिए, बाणी की उदा नाम, ये बाणी गुरु गुरु है बाणी, उस तो रसना मिटे होए रुसनाई अंदर तेरे रोशनी आवे ज्ञान आवे अंधेरा मिट जाए। ज्ञान गोस चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा, ए करतारपुर साहब दी दस रहे लीला। ज्ञान गोष्ठियां होंदियां सी, अनहद शब्द दी धुनी लगदी सी, लगातार शब्द वजदा सी। फिर सोदर आरती गावे शाम नूं, सोदर दा पाठ हुंदा सी, आरती गगन में थाल रचन दीप बने तार का मंडल जनक मोती, सोदर दे बाद आरती अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले सेरे बाबे ने उठाना सारिया नूं ते उदे नाल जोड़ना, किन्ना सोहना तरीका भाई गुरमुख, एहो ही गुरमुख गाडी राया। हुण सवेरे तुसी देखो उठदे हो, संत जी महाराज उठदे हुंदे सी इस वक्त, तुसी उपर था चला दी, उठ के तुसी हुण नाम पाणी नाम ना जुड़ दियो बाणी जुड़ दियो, ए बाबे दी चलाई हुई है, महापुरश उसना उसली कहने चल देने। ते ए भई ए आपा अपनाना सारे खालसे जगत ने ए तरीका। गुरमुख पार अथर बन तारा, जेड़े गुरमुख सी जिन्हां चाह सी अंदर आत्मदर्शी होण दी ज्ञान लैण दी के रब दा स्वरूप की आ, उन्होंने अथर बन जेड़ा वेद सी कलयुग दे विच उचारिया गया मंत्रां तंत्रां दा टूने टसरां दा होर कई वहमां दा, ओ उन्होंने छड़ दिता उपदेश दा ते बाबे दा उपदेश अपनाण लग पे जिन्ने गुरमुख सन उसले जिन्हां नूं चाहवान सी। फिर पौड़ी 39 च महाराज फरमांदे ने मेला सुन सिवरात दा बाबा अचल बटाले आई, बटाले दे विच शिवरात दा मेला सी, उत्थे हर साल हुंदा होना, ते महाराज भी गए कि लोकां नूं मिलके सीधे रस्ते पावांगे, जिन्हों भुख होगी आके पुछेगा, ये महापुरशां दा बिरध हुंदा सी। दर्शन वेखन कारने सगरी उल्ट पई लुकाई, सारी लुकाई सारी जड़ी खलक सी ओ बाबे दे कोल दर्शन करन आ गई। लगी बरसन लक्ष्मी रिद सिद नौ निद सवाई, अकाल पुरख बैठा सी गुरु नानक दे स्वरूप च रिद्धियां सिद्धियां वरतनियां सी, बेबहा माया वरसन लापी, मार फड़ के उत्थे रेल फेल हो गया। ते ए देख के जोगी जड़े जड़े जिन्हां दी पूजा हुंदे सी उन्हां दे अंदर खुंदक आ गई, ईरखा आ गई, गुस्सा आ गया कि नवा ही आ गया, ये फिर उत्थों आ गया, कैलाश पर्वत ते मिलिया सी असीं क्या मर मुर जाएगा, ते फिर आ गया, ये साडा सारा काम बिगाड़ है। ये गुरमुखो ये उहदे अंदर आंदा आ जिहदे अंदर रब दा स्वरूप नहीं हुंदा, पै और पाओ नहीं हुंदा। बाबियां जिन्ने सारे मेरे वर्गे पखंडी बाबियां चोले उन्हां च बड़ी ईरखा बरोध आ,
गुरमुख होया हले संसारी ते दो कट्ठे कर लेने बड़े आसान ने, दो बाबे कट्ठे करने बड़े मुश्किल ने, बड़ा मुश्किल। कोई विरला गरीबी जो चाहे होगी वह कट्ठे होंगे, नहीं तो बाबे नहीं कट्ठे होंगे। वो कहते मेरी ना फर्क पै जाए, मेरी मानता जो कहते मेरी मानता जो ना फर्क पै जाए ऐसी। तो इस करके वो फिर सिद्ध भी बाबे नाल जिसले ये सारी हो गया तो वह भी अंदरों जोगी देख चलित्र मन विच रिसक कनेरी खाई। ईरखा विरोध मन दे विच जोगियां दे बहुत आया, एक कौतुक देख के कि सारी खलकत बाबे वाल चल गई ते सारी लक्ष्मी ते मार नौ नदियां 18 सिद्धियां वर्तन लग पईआं। फिर उत्थे बहुत खलकत गई ते भगतियां पाई, भगतियां लोटा जोगी लिया छुपाई। ते भगती भी उत्थे जांदे ने, भगत पान भगती हुंदे ने ओ जिहड़े रासधारीए हुंदे ने, कि पुराने वक्तां च कि जिहड़े कोई किसे भगतां दी कोई खेड दसणी सुआंग बना के इहो जिहा उहनां दा काम हुंदा सी कि लोकां नूं सुआंग बना के भगती वाले पासे लाणा ते नाले उह लोकां दा प्रेम आ जाणा ते उहदे च उहनां नूं पैसे पूसे मिल जांदे सी। इह भगतीए उहनूं कहिंदे सी, रासधारीए वी कहिंदे सी। उह आ गिआ, उहनां ने अपना खेड रचाउणा शुरू करता बाबे दे अगे। बाबे की भी बख्शिश लैनी सी, खुशी लैनी सी, तो भगती पाने तो लोग भगत देख आ गए सारे। देखिया तो उत्थे लोटा रखिया होना उन्होंने, तो भगतियां पाई भगतियां लोटा जोगी लिया छपाई। वह लोटा जड़ा सी भगतियां दा विच उन्होंने सवांग जिहा बनाया सी, लोटा लिया लोटा छपा लिया तां जो लोग कहणगे देखो जी ये तो इन्हां दी भगती फेल हो गई, खेड फेल हो गया। यह कहड़ा बैठा होया जिहड़ा महापुरश, देखो साड़ी ताकत है, ये अगे लोटा असी छ लुकाता। बाबे ने भगतियां गई भगत पुल लोटे अंदर सुट पुलाई। जेले भगतियां ने देखा लोटा गुम हो गया तो उन्होंने तो रंग पीले हो गए, पसीना आ गया भी हुण गां की होएगा, ये साडे नाल बहुत माड़ा होया। बाबा जानी जान पुरश, बाबा जानी जान पुरख कढ़िया लोटा जहां लुकाई। उन्हें कहा गरीबा ना क्यों तुसी माड़ा काम कर दियो, सिद्धा नु कहा भी तुसी मेरे नाल गल कर लो, ए गरीब दा लोटा क्यों छुपा लिया। ये करामात नहीं सी भाई गुरमुखो, ये तो महाराज ने उसले एक कीता न्याओ कीता कि तुसी अपनी ताकत नाल ए करना सी, इस वास्ते तुहानू परमात्मा ने ताकत दित्तियां। ते बाबे ने लोटा कढ के, बाबे ने की करना सी, अल्लाह ही ताकत ने कढ के लोटा उत्थे लै आंदा। बाबे दा ते एक आशा जिहनूं कहिंदे ने, बाबा तां आप अकाल स्वरूप सी, कई अल्लाह ही ताकत ने कहा कि लोटा तुसी जोगी हो, तुहाडे जोगी ते तुसी इक नमक बराबर मिलनी बाबे दी ताकत दे, तुसी समझदे नहीं ताकत नूं। लोटा लोटा ते कोई गल गल ही नहीं। वेख चरित्र जोगी खुनसाई, ऐ देख के ना भी सानूं होर लोटा रहा, बड़ा गुस्सा आया अंदर। ईरखा विरोध इन्ना वध्या कि बहुत ईरखा विरोध जोगियां दा बंदिया। अगले पौड़ी चालवी चालवी पौड़ी च कहिंदे ने, खादी खुनस जोगी सराम गोश्त करन सबे उठता आई। सारे आगे बहस करन वास्ते, उन्हें कहा कल्ले नूं पकड़ लो सारे, कोई उधरों बोलेगा कोई उधरों बोलेगा तो बाबा कितों बोलेगा। फिर सारे जोगी सिद्ध जड़े सी ना कट्ठे होके बाबे दे कोल आ गए, गुस्से नाल बहस करन वास्ते गोश्त करन वास्ते। पुछे जोगी पंगरनाथ, उन्हां दा कोई वड्डा पंगरनाथ जोगी सी लीडर, ओ पुछदा तोए दुध विच क्यों कांजी पाई। तू दुध दे विच कांजी हुंदा खट्टा, कांजी पींदे ना खट्टा हुंदा, तो खट्टा दुध च पा दिओ तो फिट जांदा दुध, निकलदा लपटा जांदा मक्खन विच घुल जांदा। तो कहिंदा भी तू दुध दे विच कांजी क्यों पा दित्ती, केड़ी कांजी पाई। तू भेख जड़ा उदासी जा छड के ते अपना संसारियां दा भेख बदल लिया, तू की करना। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई, मक्खन कितों निकल आया, तू तो दुध नूं फटा दिता आ कांजी पा के। पंगरनाथ कहिंदा भेख उतार उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। उदास दा भेख तो उतारता तो संसारी रीत क्यों चलाती तू। महाराजा क्यों किसे
नानक आखे पंगरना तेरी माओ को चजी आही। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने हे पंगरनाथ तेरी मत भैड़ी आ, मां का मतलब है इत्थे मां मत तेरी मां।